से तो निकल के आ गई, अभी और एक जगह पे जा रही हूँ। तो वही गूगल में, मतलब गूगल मैप्स में देख रही थी लोकेशन कहाँ पे है, और ये पूरा एकदम से रेसिडेंशियल एरिया के अंदर से, पूरा जैसे होता है ना पहाड़ी रेसिडेंशियल एरिया, पूरा उसी के अंदर से चल चल के अभी जाना हो रहा है। तो लोगों के घर में पूरा फ्लावर्स का पेड़ वगैरह सब कुछ ऐसे, मतलब ऐसे टाइप का सब घर है यहाँ पे। काट का भी घर बना है और कंक्रीट का भी है, मतलब काट का ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर तब से देख रही हूँ ना, हर एक का जो घर का जो कलर है आउटर कलर, वो सबका सेम है। मतलब किसी एक का घर का कलर अलग नहीं मिलेगा आपको। तो दूर से जब देखते हैं ना, तो एक पूरा इक्वलिटी नजर, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं एक्चुअली कुछ दिनों से इतना मैं बात कर ली हूँ ना, अभी मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर का बोलने लग जाती हूँ। मतलब मैं एक एक वर्ड बोलती हूँ ना, मैं खुद बोलने के बाद 10 बार हंसती हूँ कि मैं ये क्या बोल दी। तो वो एक सब घर में ना दिखता है। जो गलियारा होता है वैसे टाइप का पूरा गलियारा है, एकदम से पहाड़ी गलियारा। और ये सब साइड साइड में लोगों का घर है पता है, और ऐसे बीच बीच में सीढ़ी है, फिर थोड़ा सा सामान ऐसे जाना है, फिर सीढ़ी है। देखने के लिए ऐसे उसके जस्ट ऑपोजिट में व्यू पॉइंट सब बना के रखे हैं, ये भी है, इसके ऊपर भी एक व्यू पॉइंट है, पर एक लंबा सीढ़ी है, बस वो डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ पे अगर आप जॉर्डन में आ रहे हो ना, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, मतलब अमान में अब तक मैं जो समझी मेंटली प्रिपेयर हो गया होगी, बहुत स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा अगर आप चल के घूम रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा जितना सारा लोकेशन है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो सब चल चल के स्टेयर्स चढ़ चढ़ के ही घूमना पड़ेगा। तो वो मेंटली आपको पहले से प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। आई थॉट कि हाँ चलना है, बट इतना स्टेयर्स चढ़ना उतरना पड़ेगा, आई डिडंट न्यू। और इसमें ना ऐसा लग रहा है आज मेरा लेग डे का एक्सरसाइज चल रहा है, मतलब लिटरली आज मेरा लेग डे चल रहा है। आज रात होते होते ना मेरा लेग्स बहुत पेन होगा, अब तक बहुत बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ मैं। यहाँ पे भी ना इंडिया की तरह दौड़ के रोड क्रॉस करना पड़ता है, और इजिप्ट में भी जैसे दौड़ के रोड क्रॉस करना पड़ता था। और भैया यहाँ पे तो दुकान का नाम भी चिप्सी रख दिए हैं, वो तो इजिप्ट में लोग चिप्स को चिप्सी बोल रहे थे, यहाँ पे दुकान का नाम ही चिप्सी है। और इस साइड जैसे मैं घूमूँ, मैं हूँ द आइकॉनिक थिएटर में, और ये थिएटर देख के मूवीज़ की याद आ रही है। जब हॉलीवुड कुछ मूवीज़ होता है हम देखते हैं, तो नॉर्मली ऐसे थिएटर्स वगैरह दिखाते हैं, और ये सब में वो बुल फाइट वगैरह भी दिखाते हैं ना, तो वो सब की याद आ रही है मेरे को देख देख के। मैं सोचती थी कभी जाके वहाँ पे बैठ के एक दिन फ़ोटो ज़रूर लूँगी, तो आज वो दिन आ गया फ़ोटो खींचने का। भैया यहाँ पर बैठ के फ़ोटो खींचेंगे। सच बोलो सीता दिल जब गई थी वहाँ से ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, वो जो बाउंड्री है ना ऊपर, वही है सीता दिल, तो वहाँ से घूम घूम के नीचे उतर के ही आई। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों में, लगभग मेरे को कितना 7-8 मिनट लगा चल के आने के लिए। तो यहाँ पे तो चल चल के घूमना हो जाता है, और ये एरिया भी बहुत चहल पहल वाला एरिया है। तो यहाँ पे भी टिकट था, तो मेरे पास जॉर्डनियन पास था बोल के, यहाँ पे भी टिकट माफ़
माफ़, मतलब मैंने तो $75 पे किया ना, माफ़ कैसे हुआ बताओ। मतलब यहाँ पे आके और एक्स्ट्रा से पैसा नहीं देना पड़ा, जो मेरा खर्चा हुआ था घूमने का वो मैं ऑलरेडी पे करके आगे, मुझे वो एक रिलैक्स है कि भैया मैं अपना खर्चा पे कर दूँ और मुझे यहाँ पे आके एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेना है कि मुझे यहाँ पे पैसा देना है वहाँ पे पैसा देना है। क्योंकि इजिप्ट में वो चीज़ हुआ था, खाना पीना रहना इतना सस्ता था, बट टूरिस्ट स्पॉट्स का बहुत ज़्यादा महंगा था टिकट्स। लेकिन यहाँ पे पहले से माइंड प्रिपेयर है, जॉर्डन बहुत कॉस्टली से जगह है, कम दिन रहो उसी में एक्सप्लोर कर लो और निकल लो भैया यहाँ से, नहीं तो खर्चा धूम होता है, लैक्स के ऊपर चला जाएगा अगर आप वैसे ही अच्छे से घूमना चाहोगे तो। और ऐसे तो बजट देख के घूमोगे तो घूम सकते हो, बट दूसरे जगह पे जितना बजट मेंटेन हो के घूमा जा सकता है, वो जॉर्डन में उतना बजट मेंटेन करके कोई घूम नहीं सकता अगर सारा जगह देखना चाहेगा तो। But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day, don't wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna... ये है कुछ सीढ़ी और कुछ नहीं, काफ़ी सीढ़ियाँ और ये है वो थिएटर, और मैं अभी हूँ थिएटर के परफॉर्मिंग एरिया में। मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, ब्लॉग परफॉर्म कर रही हूँ, नथिंग एल्स। और यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ होगा भी, मतलब जस्ट इमेजिन करो कितना प्रोग्राम्स हुए होंगे, कितना मतलब बड़े बड़े किंग्स आए होंगे, क्वींस आए होंगे, क्या क्या हुआ होगा, वो तो हिस्ट्री पूरा अच्छे से खोलताड़ के पढ़ने से होगा, लेकिन कितना कुछ हुआ रहेगा। और ये सीढ़ियों पर कितना लोग चढ़े उतरे होंगे, सोच लेने से बहुत अच्छा लगता है। मैं चढ़ चढ़ के लगभग इतना ऊपर आ गई हूँ, और ना जितना ऊपर जा रहा है स्टेयर्स वो उतना एकदम से स्टीप होके उठ रहा है, मतलब नीचे से पता नहीं लगता ये इतना स्टीप है, लेकिन एक्चुअली ना बहुत स्टीप होके आया है। और आप जैसे नीचे देखते हो ना, टू बी फ्रैंक, नीचे पूरा ऐसे एकदम सीधा में दिख रहा है, मतलब आपको लगेगा ना पहाड़ के पूरे छोर में आके बैठे हुए हो और पूरे मतलब गिरने जैसे वाले हो। सीरियसली मैं अपना मतलब फीलिंग बता रही हूँ, मुझे अभी जो लग रहा है बैठे हुए, पूरा मैं ऐसे कोई जगह पे बैठी और मैं करके जाने वाली हूँ नीचे। और हाइट से अगर प्रॉब्लम है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मत चढ़ो, क्योंकि ऐसे देखने के टाइम में सर वर चकरा रहा है। यहाँ पे एक जन थे, उनको हाइट से प्रॉब्लम था, वो मतलब चढ़ने के बाद उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए, वो इसीलिए बैठे हैं। तो उनका देख के ही मुझे याद आया, आप लोगों को भी बता देना चाहिए कि हाइट से प्रॉब्लम वाले इस चीज़ से दूर रहिए। मतलब पहला यहाँ पर तीन लेयर है, मतलब मुझे लग रहा है जैसे हम लोग का टिकट होता है ना, बालकनी, डीसी, एसी, सब जो क्या क्या होता है मूवी थिएटर में, वैसा टाइप का है। तो तीन स्टेप है, तीन लेयर है, तो सामने वाला जो लेयर है वो इजीली हो जाता है, सेकंड और थर्ड जो पूरे ऊपर है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेप है। बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और मैं सभी सेकंड वाला जगह पे आके ना ऐसे चल रही हूँ नीचे, और ऊपर मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि ऊपर और ज़्यादा स्टीफ हो रहा है। और हाँ, घूमने आई हूँ, पैर हाथ तोड़ने तो आई नहीं हूँ, बहुत लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग बैठे नहीं हैं, बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन मैं और जाऊँगी नहीं, मैं ही सेकेंड फ्लोर से फिर नीचे जाने वाली हूँ अभी। और इस साइड ये फिर से दिख रहा है सिटी, और ये और एक लेवल है मेरे ऊपर इधर जाने के लिए। और क्या दिखाऊं, ये थिएटर नीचे का, यही कुछ माहौल है। Don't wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up.